अधिकारियों ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच 7000 से अधिक अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों का एक नया जत्था दक्षिण कश्मीर हिमालय में भगवान शिव के गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए 14 जुलाई की सुबह यहां आधार शिविर से रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि कुल 7245 तीर्थ यात्री 4880 पुरुष 1936 महिलाएं 424 साधु और 6 बच्चे 226 वाहनों के काफिले में भगवती नगर आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हुए। अधिकारियों ने कहा कि 4101 तीर्थयात्री 125 वाहनों के काफिले में पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जबकि 101 वाहनों का एक और काफिला 3144 तीर्थयात्रियों को लेकर कश्मीर घाटी में बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। यात्रियों के इस 12वें जत्थे के साथ 30 जून से अब तक कुल 72,789 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब तक 1,62,569 यात्री गुफा मंदिर में पूजा कर चुके हैं और 1 जुलाई से प्राकृतिक रूप से बने आइस लिंगम के दर्शन कर चुके हैं। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की 62 दिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग जिले के पहलगांव और गांधरबल जिले के बालटाल से शुरू हुई। यात्रा 31 अगस्त को समाप्त होने वाली है।